नमस्कार दोस्तों, देखिए मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। मेल हथेली है और अगर हथेली का आकार इस तरह से आयताकार हो किसी भी व्यक्ति का, तो करियर और धन के मामले में मस्तिष्क से ज़्यादा कार्य करने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। दूसरी बात है, अगर हथेली का आकार इस तरह से है तो व्यक्ति दार्शनिक किस्म का होता है और यही गुण आपके अंदर हैं। और सबसे बड़ी बात, जब हमारी ये मस्तिष्क की रेखा, ब्रेन की रेखा बिल्कुल लंबी हो और पतली हो, साफ सुथरी हो और ऊर्ध्व चंद्रमा पर चली जाए, तो ऐसे लोग बड़े विवेकवान होते हैं और अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचने वाले होते हैं। मस्तिष्क से ही जीवन में करियर के मामले में कार्य करने वाले होंगे। आप कह सकते हैं ऐसा व्यक्ति उच्च पदस्थ अधिकारी, सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले ज़्यादा होते हैं। यही गुण आपके अंदर दिखाई दे रहे हैं। हाँ, केवल सरकारी या उससे संबंधित क्षेत्र नहीं, व्यक्ति जो है अगर हम कहें तो व्यापार के मामले में भी मस्तिष्क से ही ज़्यादा कार्य करता है। तो ये गुण जो है या तो व्यापारियों के हथेली में या तो जो है सरकारी नौकरी राजयोग वाली हथेली में दिखाई देता है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो राजयोग बनाती उंगलियाँ हैं और एक थोड़ा साढ़े साती शनि की झेलते हुए जो है करियर और धन की रेखा है। जब किसी भी व्यक्ति की हथेली में इस प्रकार की धन की रेखा और करियर की रेखा हो, इस प्रकार से चली जा रही हो, चंद्र क्षेत्र से आगे बढ़ रही हो और इस तरह से जाती हुई और शनि पर्वत पे जा रही हो जैसे आपकी जा रही है, लेकिन अचानक शनि पर्वत पर कोई रेखा इसको काट ले तो शनि को जो है ये बकरी कर लेती है। और जिस समय ये निशान उभर कर आता है, जैसे आपकी भाग्य स्थान पे है और ये भाग उठ जाता है और ये बहुत ज़्यादा बैठ जाता है, तो करियर और धन के मामले में शनि जो है धोखा दिलाता है, बहुत बड़ा धोखा दिलाता है। ये रोज़गार को छीनने का कार्य करता है, क्योंकि धन और करियर की रेखा को काट रहा है ना। अगर व्यक्ति सरकारी नौकरी पे भी होगा, कुछ न कुछ ऐसा करवाएगा कि व्यक्ति की या तो नौकरी छूट जाएगी या उसको किसी प्रकार की जो है नोटिस वगैरह मिल जाएगा कि आपकी नौकरी पे खतरा है। यदि व्यापार कर रहा हो और इस तरह की जो है धन और करियर रेखा को शनि अगर काट दे शनि रेखा पे, तो व्यापार में जो है बहुत बड़ा घाटे की ओर ये ले जाता है और व्यक्ति को रोटी रोजगार की दृष्टि में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये खड़ी कर लेता है। लेकिन नौकरी का ज़्यादा है ये, क्योंकि मालिक ही यही है। और यहाँ पे इस तरह से उठ जाए साथ में, तो बेवजह की चिंताएँ व्यक्ति के अंदर ये उत्पन्न करता है। बिना वजह की चिंताएं, बिना वजह की अड़चने व्यक्ति के जीवन में आ जाती हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये क्रिएट कर लेता है। और ये यहाँ पे इस तरह से बैठ जाए तो व्यक्ति मारक अवस्था में रहता है ये, फिर व्यक्ति को धोखा मिलता है और उस व्यक्ति को धोखा का शिकार व्यक्ति हो जाता है। ऐसी स्थिति में अगर नौकरी छूट भी जाए, अगर आप कानूनी कार्रवाई करने की सोचेंगे तो शनि आपका साथ नहीं देगा और आप उसमें फलित नहीं हो पाएंगे। अपनी तरफ से आप कोशिशें जारी रखें, शनि का प्रभाव खत्म होते ही आपको उस क्षेत्र में फिर ही यश की प्राप्ति हो जाएगी, आपकी नौकरी दोबारा वापस शनि दिला सकते हैं अगर किसी की हथेली में इस तरह का योग बना हो जैसे आपकी हथेली में है। लेकिन इसके लिए क्या करना है, इसके लिए शनि का जो है निरंतर एक्टिव उपाय करना है और ये केवल ज्योतिषीय उपाय होता है, रात्रि के समय का उपाय होता है। क्योंकि धन और करियर की रेखा को लक्ष्मी की रेखा कहते हैं, शनि की रेखा इसे कहते हैं, और ये रेखा कट जाए भाग्य स्थान पे शनि को बकरी कर रहे हैं। शनि बकरी होता है तो रोटी रोजगार को छीनने का काम करता है। शनि यहाँ पे उठ जाए तो बेवजह की चिंताएं देता है, जीवन में सब कुछ होते हुए भी
खुशियों में कमी करने का कार्य करता है। व्यक्ति को कई बार दुखी होना पड़ता है और इस तरह से बैठ जाए व्यक्ति इस्तेमाल ज़्यादा होता है और कहीं ना कहीं जो है धोखा व्यक्ति को मिलता है। और 7.5 वर्षों तक इसके 3 चरण होते हैं। 2.5 साल का जो प्रथम चरण होता है उसमें ये धोखा दिलाता है, उसमें जो है ये रोटी रोजी छीनने का कार्य करता है। 2.5 साल का जो दूसरा चरण आता है उसमें ये जो है व्यक्ति की खुशियों में कमी करने का कार्य करता है और अड़चने देना शुरू करता है। 2.5 साल का जो तीसरा चरण होता है उसमें ये थोड़ा नॉर्मल पड़ जाता है और छोटी मोटी परेशानियाँ उत्पन्न करता है। तो अभी जो है ये दूसरा चरण आपका चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अड़चने आएंगी, जीवन में खुशियों में कमी देने का कार्य करेगा, मानसिक तनाव देने का ये कार्य करता हुआ यहाँ पे भाग्य स्थान देता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके जो दुष्परिणाम है, जो नेगेटिविटी इसकी है शनि की, उसको जीवन से जो है निकालना बहुत ज़रूरी है और शनि की जो कुदृष्टि है उससे बचना बहुत ज़रूरी है, मारक भाव से बचना बहुत ज़रूरी है। जो अभी तक शनि ने किया वो कर लिया है, आगे ये जीवन में खुशियों में कमी न करे और व्यक्ति जो है कुछ मूर्खतापूर्ण ऐसा कार्य न करे जिससे उसको पछताना पड़े, उसको धन हानि और ज़्यादा करनी पड़े, तो इसके लिए जो है शनि की पूजा करनी चाहिए और बड़ी सोच समझकर किसी चीज़ पे किसी निर्णय पे आपको पहुंचना चाहिए। अब दूसरी बात है, यहाँ पे जिस तरह से भाग्य की लकीर चल रही है, चंद्रमा से जो है ये उत्पन्न हो रही है और शनि के क्षेत्र पे जा रही है, ये बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है, बहुत ज़्यादा परिश्रम कराती है, तब जाके 42वें से लेकर के 45वें साल के बीच व्यक्ति को कहीं चैन मिलता है और 45वें साल के आसपास ये भाग्योदय कराती है। लेकिन जब ये भाग्योदय कराती है ना, तो निश्चित रूप से व्यक्ति को प्रत्येक दिन अर्निंग होती है, बहुत अच्छी मात्रा में अर्निंग हो जाती है और ऐसे व्यक्ति को अपनी जीवन काल में निश्चित रूप से वाहन का सुख, मकान का सुख और अपनी व्यापार का सुख भी मिलता है। चाहे वो व्यक्ति जो है नौकरी भी कर रहा होगा ना, तो साइड बिजनेस वो व्यापार का करेगा, तो ये व्यापार के सुख को दिलाती है। लेकिन कब दिलाती है? भाग्योदय के समय। अभी ये पूर्ण रूप से जो है फलित नहीं है, साथ में जो है यहाँ पे कटरी है, तो कई बार जो है व्यक्ति अपने स्वयं के गलत निर्णयों द्वारा या भावनाओं के वशीभूत होकर गलत निर्णय कर लेता है और अपने डेवलपमेंट को पूरी तरह से जो है अवरुद्ध कर लेता है। अब ये जो है 38वें वर्ष में एक योग बना रहा है कि अगर आपने शनि की उपासना कर ली, शनि के दुर्गुणों में जो है वहीं पे रोकने का कार्य कर लिया, उनको प्रसन्न कर लिया, तो 38वें वर्ष में जो है आपको जो है अच्छे मौके मिलने शुरू हो जाएंगे। थोड़ा बहुत जो है आपके चौक करियर का मामला हो, धन का मामला हो, उस रूप में बढ़ोतरी होगी अगर सही से आपने प्रयोग कर लिया, तो उपाय कर लिए। उसके बाद 41वां वर्ष आपके लिए विशेष है। 41वें वर्ष में खोई हुई नौकरी आपको वापस मिल सकती है, पहले तो 38वें वर्ष में, नहीं तो 41वें वर्ष में। उसके बाद का समय आपका 45वां वर्ष है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, आपको क्या निकलना है, कानूनी पचड़े में नहीं पड़ना है, इसमें ना पड़िए, जो चला गया चला गया, मन में संतोष रख लीजिएगा। जिस परमात्मा ने जो है रोटी रोजगार छीना है वही रोटी रोजगार भी देगा, लेकिन उस परमात्मा उस ग्रह का जो है निवारण करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखो एक रेखा 31वें वर्ष में इस तरह से राहु पे जा रही है और एक रेखा जो है 41वें वर्ष में जो है बुध पे जा रही है, ठीक है ना? ये अभी पूरी नहीं पहुँची है, तो राहु का प्रभाव और शनि का प्रभाव आ जाने के कारण चीज़ें जो है अनबैलेंस रही है और कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी, कदम कदम पर मुश्किलें और कहीं ना कहीं अगर हम कहें तो जीवन में संघर्ष भी बढ़ा है। लेकिन ये 41वें वर्ष में बुध से युक्ति बना रही है और बुध हमारा व्यापार का स्वामी है, हमारा जो है वाणी का भी स्वामी है और हमारा त्वचा का भी स्वामी है, नाक कान गला जो ये संचार तंत्र है इसका भी मालिक है। और जब राहु 41वें वर्ष में
बुध से मिलन करेगा तो बुध के गुणों में वृद्धि करेगा, और जब राहु बुध के गुणों में वृद्धि करता है तो निश्चित तौर पे व्यापार में वृद्धि होती है या वैज्ञानिक सफलता में ये सहयोग करता है। दूसरी बात, ये 41वें वर्ष में दो तरफा आय जो आपकी अर्निंग होगी उसकी भी व्यवस्था करेगा, एक आपकी डायरेक्ट वाली और एक आपकी जो है कम मेहनत वाली। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अब 51वें वर्ष में भी जो है ये बुध की ओर जारी है, बीच में थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है क्योंकि यहाँ पे बीच में ये जो है 45वें वर्ष के आसपास फिर थोड़ी सी टेंशन देना शुरू करेगा एक दो सालों तक, लेकिन उसके बाद फिर 51वें वर्ष में ये बुध से मिलन कर रहा है दोबारा, तो कहीं ना कहीं जो है बम्पर की तरफ ये आपको ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हथेली का जो आकार प्रारूप मिल रहा है वो 38वें वर्ष तक ज़्यादा जो है ये अपना प्रभाव छोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर 41वें वर्ष में जो है काफ़ी आप कवर कर पाएंगे, इस चीज़ की ओर आपको ले जा रहा है। अब राजयोग की उत्पत्ति कैसी हो रही है, शनि के गुण कैसे पड़ रहे हैं वो उंगलियां भी बता रही हैं। अगर हम सभी उंगलियों का झुकाव वर्तमान समय में देखते हैं तो मिडिल फिंगर की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और जब भी सभी उंगलियां मिडिल फिंगर की तरफ ज़्यादा झुक जाती हैं ना तो शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि हो जाती है, और ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देखने को मिलती है, और विशेषतर जब ये भाग उठा हुआ हो, ये बैठा हुआ हो, यहाँ पे बकरी हो और साथ में जो है यहाँ पे जो है इन दोनों उंगलियों के बीच में ज़्यादा जगह छूट रही हो या आर पार दिख रहा हो मिलाने पे, जैसे आपका दिख रहा है, तो 7.5 जो शनि की लगती है उसमें व्यक्ति को ज़्यादा तकलीफें झेलनी पड़ती हैं, ये इसका फैक्ट है। तो अब दूसरी चीज़ अगर हम यहाँ पे देखें, आपकी जो ये उंगली है रिंग फिंगर, ये शनि की तरफ मुड़ती हुई दिखाई दे रही है, इच्छा क्या रहेगी, नेम और फेम पाने की इच्छा प्रबल होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ नहीं भी होगा तो भी नेम और फेम पाने वाली जो इच्छा है वो प्रबल रूप लेती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर ये बृहस्पति की उंगली से ऊपर दिखाई दे रही है लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है तो हिम्मती स्वभाव बहुत अच्छा है, हिम्मत न हारने वाला व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी बात है रिस्क लेने की क्षमता है, चाहे कोई कुछ भी कहे लेकिन अपने दिमाग में इतना हिम्मत है कि रिस्क ले सके, और जो व्यक्ति जीवन में रिस्क लेना जानता है ना वही व्यक्ति जो है जीवन में सुख और संपन्नता की भी प्राप्ति करता है, ये बहुत अच्छा है। लेकिन साथ में आपकी जो है ये उंगली जिसको हम कहते हैं मरकरी की उंगली कनिष्ठा, ये भी मुड़ रही है सूर्य की तरफ, केवल रिस्क लेने की क्षमता है या हिम्मती स्वभाव नहीं है, साथ में पैसा कमाने की ललक भी पैदा करता हुआ बुध दिखाई दे रहा है। जीवन में धन वास्तव में सभी को चाहिए, और धन कमाने की अगर ललक पैदा हो जाए तो इसे अच्छा कहा जाता है। साथ में ये प्रथम पौर्वे तक लगभग जो है यहाँ पे पहुँचती हुई नज़र आ रही है, ये भी बहुत अच्छा है। आप प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा, अगर किसी व्यक्ति की ये उंगली कनिष्ठा लंबी हो और सूर्य उंगली के पहले पौर्वे तक पहुँच रही हो तो ऐसा व्यक्ति या तो प्रैक्टिकल रूप से देखना आप, या तो ये व्यक्ति व्यापारी होगा या नौकरी कर रहा हो, चाहे प्राइवेट नौकरी कर रहा हो चाहे सरकारी विभाग में नौकरी कर रहा हो, अधिकारी के पद पे होगा, कुल मिला के बात करें तो उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति अपने जीवन में होता है। अब हमने अपनी एक रिसर्च की जो किताबों में नहीं है लेकिन हमने 99.9% मामले में यही चीज़ पाई है, और आपकी उंगलियां उसी चीज़ की ओर इशारा कर रही हैं। मैंने देखा है जिसकी ये रिंग फिंगर अपनी जो है इस फिंगर से बृहस्पति की उंगली से बड़ी होती है, और साथ में आपकी कनिष्ठा उंगली रिंग फिंगर के पहले पौरवे तक पहुंचती है, तो ऐसे व्यक्ति जो है 99.9% मामले में सरकारी नौकरी की प्राप्ति करते हैं। किसी कारणवश जैसे यहाँ पे शनि की ऐसी दशा है कि नौकरी छूट जाएगी,
ऐसी स्थिति में व्यक्ति व्यापार की ओर जाता है और उत्कृष्टता हासिल करता है अपने व्यापार में, और ऐसा व्यक्ति यश की प्राप्ति अपने जीवन में करता है और सफलतम व्यक्ति होता है, ये निश्चित है। तो राजयोग बनाती हुई भी दो उंगलियां यहाँ पे दिखाई दे रही है, साथ में बृहस्पति की उंगली अगर देखें जिसे हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं, ये मुड़ रही है पूरी तरह से जो है शनि की तरफ, और जब शनि की तरफ बृहस्पति की उंगली मुड़ती है तो व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाओं को भी जन्म देती है। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से जो है ईश्वर में विश्वास रखने वाला होता है, निश्चित रूप से जो है ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव रखने वाला व्यक्तित्व तो ऐसे लोगों का होता है। तो ये कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे अच्छी दिखाई दे रही है। अब दूसरा अगर देखा जाए हथेली में, अब हम थोड़ा सा जो है अंगूठे की ओर चलते हैं। आपका अंगूठा पूरी तरह से पीछे तरफ मुड़ा हुआ है और शुक्र का पर्वत यहाँ पे उठा हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्र प्रधान व्यक्तित्व भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ ज़्यादा जो है आकर्षण वाला व्यक्तित्व है, लग्जरी लाइफ जो है ज़्यादा हो उस तरफ आकर्षित होता है। ये यहाँ पे नुकीला और लंबा दिखाई दे रहा है, इच्छा शक्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं, इच्छा शक्तियों की कहीं कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है, तर्क शक्ति उतनी बेहतर अंगूठा नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा एक पूर्ण रूप से जो है यव का साइन बन रहा है अंगूठे में, ये बहुत अच्छा है। भावुक किस्म के व्यक्तित्व को बता रहा है, नाजुक हृदय के व्यक्तित्व को बताता हुआ नजर आ रहा है, और आपको अपने जीवन काल में अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख मिलेगा, ये निश्चित है। या तो मिल गया होगा या अब मिलेगा, लेकिन है किसी कारणवश ऐसे व्यक्तियों को अगर अपनी कमाई हुए पैसों से अपने घर का सुख नहीं मिल पाता है तो किसी के सहयोग से या पैतृक संपत्ति का बहुत अच्छा लाभ ऐसे लोगों को मिलता है, लेकिन जीवन काल में अपने घर का सुख ऐसे लोगों को मिलता ही मिलता है। दूसरी बात है जिस तरह से चंद्रमा यहाँ पे गद्दीनुमा दिखाई दे रहा, देखो अंगूठे में यव का साइन है और चंद्रमा यहाँ पे जो मन का कारक है गद्दीनुमा है, तो ऐसे व्यक्ति जो है तहजीब पसंद होते हैं, अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको बहुत अच्छा लगता है, ये युक्ति बताती हुई नज़र आ रही है। कम पैसे हो तो भी ऐसा जातक बहुत अच्छे से रह लेता है। हाँ, जिस तरह से सूर्य पे जो है रेखा डेवलप होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है तो थोड़ा सा दिखावा भी ऐसे लोगों को पसंद होता है, और सूर्य रेखा पे अगर ये सूर्य रेखा जो है ज़्यादा डेवलप होती हुई दिखाई दे तो ये गुण ज़्यादा आते हैं, अच्छे से पहनना, अच्छे से अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें ऐसे लोगों के साथ जुड़ी हुई होती है। अब यहाँ पे अंगूठे के साथ देखो आप जैसा अंगूठा में है लगभग सेम जो है आकृति आपकी उंगलियों में मिल रही है, वैसे हमेशा नहीं होता ये कि जैसे इसमें हो तो इनमें भी वैसे ही हो, लेकिन आपकी है तो ये थोड़ा सा विद्वत्ता हासिल करवाता है, अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज अर्जन करने वाला व्यक्तित्व तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसे जो लोग होते हैं ज़्यादातर मामले में जीवन को अपने सहारे से ऊपर बढ़ाते हैं, अगर किसी की सहायता ना भी मिले तो बिना किसी की सहायता के भी जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग जीवन के सार को समझते भी हैं, जीवन के मंथन को मथते भी हैं और उसी के कारण अपने जीवन को आगे बढ़ा कर ले जाते हैं, और जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे जो है बहुत अच्छा व्यक्तित्व ऐसे लोगों का निखर कर आता है, बहुत अच्छी लेखन की कला भी ऐसे लोगों में आ जाती है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पे पुष्ट और सुंदर भाव में दिखाई दे रहा है और बृहस्पति गुरु है और गुरु के अंदर ज्ञान की प्राप्ति होती है, किसी न किसी आर्ट में किसी न किसी कला में ऐसे लोगों का मन डूबा रहता है, और संगीत प्रेमी भी ऐसे लोग होते हैं। लेकिन थोड़ा सा सर्दी है, जुखाम है, नज़ला है, खांसी है, इस प्रकार की शिकायत भी कभी कभार इन लोगों को अक्सर हो जाती है, एक सावधानी ज़रूर बरतनी चाहिए, ऐसे लोगों को पार्टनरशिप में कार्य नहीं करना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए।
इंडिविजुअल किसी कार्य को करना चाहिए, इनके लिए अच्छा होता है। और किसी भी अच्छे व्यवसाय को ऐसे लोग निश्चित ही कर सकते हैं, किताबों से संबंधित कर सकते हैं, स्टेशनरी से संबंधित कर सकते हैं, होलसेल और साथ में कहीं ना कहीं कॉलेज में पढ़ाना, स्कूल इंस्टीट्यूट, गायन वादन, कला, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो ऐसे जातकों के लिए जो है नई उम्मीद लेकर खुल जाते हैं। तो ये चीज़ आपकी हथेली में बहुत सुंदर रूप से दिखाई दे रही है। अगर हम रेखाओं की बात करते हैं तो रेखाएं भी अपनी जगह होती हैं, रेखाओं पे चलते हैं, इसको मिटा के देखिएगा। यहाँ पर हृदय की जो लकीर है वो इस तरह से जाती हुई सीधा और आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रही है। अब ये भी ये योग उत्पन्न कर रहा है, सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व है, विद्वमता भी है, बुद्धिमान भी है और तेजस्वी भी हैं, हृदय की गहराइयों से प्रेम करते हैं और प्रेम के मामले में वास्तव में सर्वश्रेष्ठ हैं। अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व आपका है, लेकिन ईगो प्रॉब्लम भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में है। जैसे ही शनि जो है अपनी प्रगाढ़ता से वक्री स्थिति से बाहर आता है और आपकी जो है ये रेखा जिस तरह से कटफट हो रखी है, ये रेखा अगर आपकी पुष्ट हो जाती है तो चाहे आप व्यापार करें, चाहे आप नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन जरूर व्यतीत करेंगे। यही आपकी हथेली यहाँ पे दिखाती हुई नज़र आ रही है। मस्तिष्क रेखा के बारे में मैंने बता दिया। जीवन की रेखा को देखा जाए तो जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी है, पूर्ण गोल घेराव लिए हुए है। किसी भी प्रकार की जो है यहाँ पे बहुत बड़ा संकट या बहुत बड़ा कष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। एक रेखा यहाँ से निकल करके और इस तरफ से जाती हुई दिखाई दे रही, अभी पुष्ट नहीं हुई। अगर ये रेखा पुष्ट होती है तो व्यक्ति का व्यापार ऐसा होगा कि बोलने से ज़्यादा जो है धन अर्जन होगा या व्यापार में वृद्धि होगी। अभी ये केवल व्यापारिक गुणों में वृद्धि कर रही है, व्यापार को नहीं दे रही है। साथ साथ में जो है यहाँ पे एक त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि राहु जो है 41वें वर्ष में मजबूत हो रहा है और जब राहु मजबूत होता है तो राहु का त्रिभुज भी एक्टिव हो जाता है, तो निश्चित रूप से वो ऐसी ऊंचाइयों पे पहुंचा देता है कि जो व्यक्ति ने बहुत कम सोचा होगा। तो इस तरह की ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती हुई नज़र आ रही हैं। अब थोड़ा सा जो है ग्रहों की ओर अगर चलें तो यहाँ पे जो अंगूठा है इसके नीचे का ये भाग शुक्र का भाग होता है, ठीक है ना। कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है इन चीज़ों के लिए, और एक सुखद जीवन के लिए। आपका जीवन कितना सुखद है ये हम जो है इसी पर्वत से जानते हैं। ये उभरा हुआ दिखाई देना चाहे, सुंदर अवस्था में दिखाई देना चाहे, ये सुंदर है, उभरा भी लगभग ठीक ठाक है, तेजोमय अवस्था में भी है, आप तेजस्वी होंगे, चेहरा भी आपका बहुत अच्छा होगा, सुंदर होगा, सुंदरता और आकर्षण आपके अंदर है, हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी है। लेकिन वर्तमान समय अगर देखें, बहुत सारी रेखाएं यहाँ पे आती हुई गौण रेखाएं दिखाई दे रही है और ये भाग जो है ऊंचा नीचा दिखाई दे रहा है, और ये मानसिक परेशानी को दिखाती है कि शुक्र वर्तमान समय में आपको मानसिक परेशानी दे रहा है। किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता भी कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। और वास्तव में जीवन में जो सुख मिलना चाहिए, चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का सुख हो, चाहे वो मानसिक सुख हो, वो थोड़ा कम मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं निम्न मंगल का क्षेत्र देखें और उच्च मंगल का क्षेत्र देखें, यहाँ पे एक चीज़ तो है कि जो यहाँ पे एक त्रिभुज ये वर्ग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है आपको अपने जीवन काल में अचल संपत्ति का बहुत अच्छे रूप से जो है लाभ मिलने वाला है, ये बता रहा है। दूसरा बात यहाँ पे देखते हैं तो एक जो है कट का निशान भी है, और गुणा का निशान हो तो व्यक्ति को थोड़ा संभल कर चलना चाहिए। कानूनी पचड़ी में ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी पड़ जाता है और उसके लिए उसको परेशान होना भी पड़ता है, तो ये चीज़ भी दिखाई दे रही है।
दूसरी बात करें, यहाँ पे उठा हुआ है, यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं घेर रही हैं, तो ये रेखाएं मानसिक तनाव देती हैं, कन्फ्यूजन की स्थिति को प्राप्त करती हैं। यहाँ पे इस तरह उठा हुआ है, व्यक्ति थोड़ा गुस्सैल स्वभाव का होने लगता है, चिड़चिड़ा स्वभाव का होने लगता है, और ये अगर ज़्यादा असर डालती है तो थोड़ा नेत्र रोग को उत्पन्न कर लेता है, चश्मा वगैरह लग जाता है, या ब्लड प्रेशर, शरीर में कंपन या शारीरिक ताकत को कम करने का कार्य करता है, और शरीर के जो जोड़ हैं उनमें दर्द वगैरह की शिकायत होने लगती है। लेकिन उच्च मंगल अच्छा है तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, इस ओर ये इशारा कर रहा है। आपका गुरु बृहस्पति देखें तो गुरु बृहस्पति बहुत अच्छे भाव में बैठे हुए हैं, सुंदर भाव में बैठे हुए हैं, यहाँ पे जगह उभरी हुई है, ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ अवस्था का व्यक्ति होता है, स्वयं तो उन्नति ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पे अपने जीवन में करता है। जो लोग इनसे जुड़ते हैं या इनके संसर्ग में आते हैं उसे भी ये लोग उन्नत करने में सहायता प्रदान करते हैं, सहयोगी की भूमिका निभाते हैं, लेकिन ऐसे लोग स्वाभिमानी बहुत ज़्यादा होते हैं और स्वाभिमान में कभी कभी अभिमान का पुट भी ऐसे लोगों के अंदर आ जाता है। वैसे अपने क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज रखने वाला व्यक्तित्व है, न्यायप्रिय व्यक्तित्व है, और आपको मान सम्मान की प्राप्ति निश्चित तौर पे जो है अपने जीवन काल में होगा। भोजन प्रिय भी है, लेकिन शनि यहाँ पे ठीक नहीं है, जिसके कारण वर्तमान समय में उथल पुथल का समय है। वैसे ही अगर देखा जाए सूर्य रेखा भी कटी फटी है, जिस कारण जो है ये सफलता के स्तर को गिरा रही है। दूसरा, आपको वर्तमान समय में अपनी मेहनत का, अपने परिश्रम का न तो पूरा श्रेय मिल पा रहा है, न पूरा क्रेडिट ही मिल पा रहा है। जितनी आपके अंदर योग्यता है, जितनी आपके अंदर क्वालिटी है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आती हुई दिखाई दे रही हैं। चाहे आप व्यापार कर रहे हों, चाहे आप नौकरी कर रहे हों, वो विस्तार नहीं मिल पा रहा है जिस विस्तार को वास्तव में मिलना चाहिए, वो रास्ता नहीं मिल पा रहा है जिस रास्ता को वास्तव में मिलना चाहिए। तो इसके लिए मैं जो है आपको निश्चित तौर पे जो है उपाय दे रहा हूँ, करने की कोशिश करें तो यश की भी प्राप्ति होगी और संपन्नता की भी प्राप्ति होगी। बुध ठीक ठाक है, व्यक्तित्व तो भी ठीक है, वाणी की शक्ति भी ठीक है, और कहीं ना कहीं भौतिक सुख सुविधाओं में भी ज़्यादा कमी नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पे देखा जाए तो आपका चंद्रमा कभी कभी जो है मन को परेशान करता है, कभी कभी जो है चीज़ों में मन नहीं लगता है, मन गड़बड़ रहता है, मानसिक परेशानी रहता है, और कभी कभी इमोशनली भी परेशान हो जाते हैं, नींद आने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन फिर भी आने वाले समय ये मन को मजबूत रहेगा और कहीं ना कहीं शरीर के जो हार्मोनल सिस्टम है उसको ये अच्छा करेगा, इस चीज़ की ओर जो है ये इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है। मणिबंध की रेखा देखें तो अभी जो है दोषयुक्त दिखाई दे रही है। जब मणिबंध इस प्रकार का हो तो थोड़ा सा संघर्ष जीवन में रहता है और कोई ना कोई चिंता व्यक्ति को घेरे रहती है, तो यही चीज़ अभी आपके अंदर दिखाई दे रहा है। और जो ये दूसरा चरण शनि का चल रहा है, इसमें इसके उपाय करने बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में बस इतना ही, एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।